हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी काले चने के डोसे की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, जो कि आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही फायदेमंद होते हैं ये काले चने, और इसमें हम ऐड करेंगे ये भीगे हुए चावल, जिसे कि मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को पीसना है। तो ये काले चने भीगे हुए हैं, उबले हुए नहीं हैं। तो यहाँ मैं चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सूजी और दही मिलाकर भी ये जो डोसा है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आप इंस्टेंट जो है बना सकते हैं। उसके लिए आपको चावल भिगोने की या चावल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें डाल देंगे ये हमारे भीगे हुए चने। तो पोर्शन ये रहेगा इसका, जितना आप चना ले रहे हैं उसका आधा आप चावल ले लीजिए, या 1/4 कप चावल ले सकते हैं। तो इन सबको हम पीस लेंगे दोनों को इकट्ठे मिला के। तो मैं थोड़ा सा ये मिक्स कर दूंगी ऐसे ही, और थोड़ा सा पानी डालकर इसे मैं पीस लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने पीस लिया है, और इसमें मैं डाल दूंगी नमक। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसे बना रही हूँ, तो आप इसमें अदरक और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बैटर थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ा सा और पतला कर दूंगी। तो ये वो वाला पानी है जिसमें कि हमने अभी ये पीसा था डोसा के बैटर को। तो बस अब हम इससे बनाएंगे हमारे डोसे। तो यहाँ हमारा तवा जो है अच्छे से गर्म हो गया है, और अब मैं इसमें लगा दूंगी थोड़ा सा ऑयल। तो अच्छे से लगाना है हमने ऑयल को, और अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो तवे का टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हो जाए। और इसे जो है हम पोंछ देंगे। अब डालेंगे हम इसमें हमारा डोसे का बैटर। तो जितना पतला मोटा आपको चाहिए आप उतना इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से बीच से बाहर की तरफ आकर हम डोसे को फैलाते चले जाएंगे। तो आप इसके लिए थोड़ा सा बड़ा तवा लीजिएगा, मेरा तवा थोड़ा सा छोटा है तो मैं छोटे ही बनाऊंगी। और इसे अब हम धीमी धीमी आंच पे पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, जब ये ऊपर से सूख जाए तो हम इसमें ऑयल लगा देंगे। आप बटर, देसी घी कुछ भी लगा सकते हैं, और इसे अच्छे से हम लगा देंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल करूंगी सांबर मसाला। आप जो है कोई भी मसाला ले सकते हैं, आप इसमें जो है ना स्टफिंग भी डाल सकते हैं। अगर आप स्टफ वाला खाना चाहते हैं, पनीर का या प्याज का कुछ का, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें वो डाल सकते हैं। और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा देगी मिर्च भी स्प्रिंकल कर दूंगी, और इसे क्रिस्प होने तक हम पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम हमारे डोसे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो डोसा है हमारा वो कुक हो गया है। इसे हम इस तरह से पलट देंगे और इसे निकाल लेंगे, और सेम प्रोसेस से ही हम बाकी के डोसे भी रेडी कर लेंगे। आपको जितना क्रिस्प चाहिए आप उतना क्रिस्प जो है डोसा बना सकते हैं। आप इस डोसे में चावल की जो क्वांटिटी है वो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और देखिए फटाफट से ये सूखते चले जाते हैं। तो इनमें हम लगा देंगे ऑयल,
जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आप इसकी जगह बटर या घी भी यूज कर सकते हैं। और इसमें डाल देंगे वापस से मसाला। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा जो है ये कुक हो गया है। और ये देखिए, ये पैन अपने आप से छोड़ने लगते हैं और इसे भी हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी क्रिस्प है ये, तो मैं इसे निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारे सभी डोसे जो हैं ये देखिए बहुत ही बढ़िया से पक रहे हैं। ये देखिए काफ़ी क्रिस्प है ये, ये देखिए छूने से ही आपको लग जाएगा कि कितने क्रिस्प बने हैं। तो सेम प्रोसेस से मैं सारे डोसे जो है वो रेडी कर लूँगी। और ऐसे ही हम छोटे बड़े जितने आपको साइज में चाहिए आप जो हैं डोसे बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारे डोसे जो हैं बढ़िया से पक गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा डोसा है बिल्कुल रेडी है। और यहाँ मैंने इसके साथ पीनट की जो चटनी है वो सर्व की है। इसकी रेसिपी मैं बहुत बार आप लोगों को पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपको ये रेसिपी जो चटनी की है देखनी है तो मैं शॉर्ट में इसका एक जो वीडियो है वो डाल दूँगी, आप देख सकते हैं इसी चैनल में और इसी रेसिपी में। और यहाँ हमारा जो ये काले चने का जो डोसा है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। और इसका क्रिस्प भी देखिए आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। क्योंकि काला चना वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूज़फुल होता है, और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ फ्रेंड्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती है। अगली बार एक और इजी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।